नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है अब। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राजीव रंजन और पप्पू यादव ने बुधवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हेमंत बिस्व शर्मा से बड़ा कोई अपराधी नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि उनके खिलाफ साल 1991 में दो मामले दर्ज किए गए थे। वह उल्फा को हर महीने 10 लाख रुपए पहुंचाते थे और रंगदारी वसूलते थे। इसके बाद उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनके घर से अवैध हथियार बरामद किए गए। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ टाडा का मामला भी दर्ज किया गया। इसके अलावा मानवेंद्र शर्मा की हत्या के मामले में भी उनका नाम सामने आया था। आप सबसे पहले ये और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पप्पू यादव हेमंत बिस्व शर्मा पर बरसते हुए नजर आए। सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी की, उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। ये इंसान नहीं, कैसे जानवर हैं। इनके बारे में मैं आपको 2021 में गुवाहाटी में फ्लाईओवर उद्घाटन के समारोह में 45 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर आरोप लगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की कंपनी पर आरोप है उसने असम सरकार की अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की, गलत तरीके से सब्सिडी। अब आप मुसलमान का नाम मत लीजिए। ये जो बार बार कहता है भेदभाव, शर्मा अवैध प्रवासी के मुद्दों को लेकर बयान दिए थे, बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं, बिहार यूपी और बंगाल के बेटी और मां को घर में रहते हुए इन्होंने जिंदा जलवाया था। और कई बलात्कार की घटना बेटी बिहार के परिवार के साथ उसी समय, असम गैर असम, असामी गैर असामी के बीच इन्होंने जितना जुल्म बिहार झारखंड और बंगाल पर किया उतना जुल्म आप कभी नहीं सुन पाए। ये कितने बड़े हैं, ये जबकि मुस्लिम परिवार को प्रवासी खतरा ही बता रहे थे। ये कहते हैं मदरसों के बंद, अतिक्रमण विरोध में पुलिस वर्सेस जब टकरा हुआ दूसरे प्रदेश के, तो इन्होंने मुस्लिम के नाम पर आरोप लगा करके सभी बिहारियों को वहां से बेदखल करवाया। लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा का नाम शारदा घोटाले में भी आया था। आरोप था कि उन्होंने शारदा समूह के मालिक से पैसे मांगे थे। इसके बाद सीबीआई ने वर्ष 2014 में भी उनसे 4 घंटे तक पूछताछ की थी। गौरतलब है कि यही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए थे। तब शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। झारखंड कांग्रेस के ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में करीब 20 वर्षों तक शासन किया, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है। इस तरह की घुसपैठ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में मुसलमानों के नाम पर बिहार और बंगाल के लोगों पर कई अत्याचार किए हैं। केंद्र सरकार और भाजपा की नजर झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर है। भाजपा सिर्फ खोखले वादे करती है। एक बार फिर झारखंड में भारत की खंडपीठ बनेगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां के जल, जंगल और जमीन को बचाने का काम किया जाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से पप्पू यादव झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनके दावों में दम है? क्या वाकई हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।